हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए बना रहा हूं। जो सब्जेक्ट है वो मैथ है और जो चैप्टर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग 7.1 का क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग 1 to 5 नंबर तक का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बच जाएगा उसमें मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। ये दो पॉइंट दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको क्या मालूम होना चाहिए, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। वो क्या होता है भैया, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला देखिए होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे पहला वाला जो क्वेश्चन का पहला बीट जो है 2, 3, 4, 1, तो यहाँ पे x1 क्या है देखिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये है हमारा x1, ये है हमारा y1, ये है हमारा x2, ये है हमारा y2। बस अब सिंपल फॉर्मूला में पुट अप कर दीजिए, x2 4 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, ये y2 है ना, y2 मतलब 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। और इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आएगा भाई 4, और ये भी कितना आएगा 4, है ना। क्यों 4 आएगा अगर डाउट है तो देखिए, माइनस 2 का होल स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया जाता है माइनस 2 से, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 2 2 4 हो जाता, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबको, अगर जिसको नहीं भी पता तो मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे ये कितना बन जा रहा है, ये बन जा रहा 8, और फिर 8 को तोड़ना है हमें, तो 8 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ऐसे करके तो ये 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, तो रूट के अंदर में 2 × 2 × 2 मिल जाएगा और ये ऐसे करके बन जाएगा। तो आप सबको मालूम है कि जोड़ा नंबर रूट का बाहर चल जाता है तो ये बाहर चल जाएगा, अंदर 1 2 बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2√2। तो आई होप कि आप सबको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके डिस्टेंस निकालना समझ में आ गया होगा जब आप लोगों के पास में दो पॉइंट गिवन हो तो आप लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये वाला आप हफ्ते से ट्राई करिएगा, मैं ये 3 नंबर वाला बता देता हूँ आपको, 3rd नंबर वाला मैं बता रहा हूँ, देखिए हाँ। तो यहाँ पे क्या है, a, b हमारे पास, और यहाँ पे माइनस a, b है, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। तो अब यहाँ पे मैं पुट करूँ अगर, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ही होता मगर साइन माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2b का होल स्क्वायर का रूट। उसके बाद देखिए माइनस है, फिर से क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस में आएगा, ये हो जाएगा 4a² प्लस यहाँ पे भी आएगा आपका 4b², ठीक है ना। उसके बाद में देखिए क्या हो जाएगा, 4 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a² प्लस b², और उसके बाद में आप 4 का रूट ओवर निकालने से कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका a² प्लस b², तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, ठीक है ना, 2√a² प्लस b². चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ पे देखिए ओरिजिन,
तो मैं बता दूँ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन के साथ अगर डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, ये हमारा एक्स है ये हमारा वाई है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का रूट ओवर, 36 का स्क्वायर 1296 और 25 का 225, इन दोनों को जोड़ने से आ जाएगा कितना 1521 का रूट ओवर निकालेंगे तो आएगा 39। ठीक है, रूट ओवर निकालना नहीं पता आप लोगों को तो मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए ये 1521 है, तो इस प्रकार से हम लोग रूट निकाल सकते हैं, जोड़ा में ले लीजिएगा इसको। और इसमें जो पहाड़ा पड़ते हैं हम लोग रूट निकालने के लिए कुछ इस प्रकार से होता है, 1 1 जा 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, मतलब जोड़ा संख्या को ही गुना किया जाता है, ठीक है ना, तो ये हो जाता है 9, फिर 4 इंटू 4, 16। तो अभी देखिए इनके बीच में 15 आता है ना, तो हम लोग को नीचे वाला नंबर लेना पड़ेगा, तो हम लोग इसको लेंगे, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 621 आ जाएगा। अब ये 3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो 3 3 कितना आ जाएगा, 6। अब यहाँ पे हम लोग को ऐसा नंबर लिखना है जिसको, मतलब यहाँ जो नंबर लिखेंगे x लिखेंगे तो यहाँ पे भी मेरे को x लिखना पड़ेगा, आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना, ये इसका तरीका होता है। तो अब यहाँ पे हमको देखिए लास्ट नंबर क्या ये है, तो कटना रहेगा तो 1 चाहिए, अगर मैं 1 लिखूँगा तो 61 ही आ जाएगा तो कटेगा नहीं, तो और बाकी कौन सा मतलब पहाड़ा है जिसमें 1 आएगा, तो आप जानते होंगे 9 9 जा 81 होता है, तो अगर मैं यहाँ 9 लिखूँ और यहाँ पे भी 9 लिखूँ और उसके बाद में 69 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, 9 9 जा 81, 8 हाथ में आ गया, और उसके बाद में फिर 9 6 जा 54 होता है, 9 6 जा 54, और उसमें हम लोग फिर कितना बचा था हम लोग के पास में 8, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको जोड़ दे तो ये कितना मिल जा रहा है हमको, 62 मिल रहा है ना, तो यहाँ आ गया 621। तो अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करने से 621 आ रहा है और ये कट जा रहा है, तो आई होप कि आप सबको रूट निकालना भी समझ में आया होगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ पे देखिए कोलिनियर, तो कोलिनियर निकालना जो है मैं आपको दो तरीका से बताऊँगा, एक तो यहाँ पे जो मैंने फार्मूला लिखा है ना आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फार्मूला यूज़ करके भी हम लोग कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं, और दूसरा जैसे कि आपके बुक में बताया गया है उस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए जो पॉइंट है, तो हम लोग मान लेते कि ये पॉइंट ए है, बी है और सी है, अभी ये पॉइंट जो है इसमें आपका 15 मैं कोमा दे देता हूँ, और फिर ये वाला पॉइंट जो है ये आपका 23, और उसके बाद में फिर ये वाला पॉइंट जो है ये आपका 32 और ये -1, ये 3 पॉइंट है ना। अब हमको क्या करना है, मेरे को उसका डिस्टेंस निकालना है, जैसे कि ए से बी, ए से लेके बी का और बी से लेके सी का और फिर ए सी का, ठीक है। और अगर ये कोलिनियर होगा, कोलिनियर के बारे में आपको पहले बता भी दूँ, कोलिनियर का सिंपल मैं बोल सकता हूँ इस प्रकार से कि एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर में ही तीनों पॉइंट है, अगर इस लाइन के ऊपर में तीनों पॉइंट है ए बी सी, तब तो ये कोलिनियर कहलाएगा, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं कहलाएगा। अच्छा ये होता है तो पता कैसे चलेगा, देखिए ए प्लस बी को जोड़ने पे और फिर बी प्लस मतलब ए प्लस बी का, ए से बी का दूरी निकाल देंगे, बी से सी का दूरी निकाल देंगे, इनको जोड़ने पे ए से सी का जो दूरी जो रहेगा बराबर होगा ना, बराबर होगा कि नहीं, अगर बराबर होता है तो कोलिनियर है, बराबर नहीं होता तो कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हम लोग कुछ करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैं ए बी निकाल देता हूँ, तो ए बी अगर मैं यहाँ निकालूँगा तो ये हो जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 - 5 का स्क्वायर। अभी मैं आपको बैठाने नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने पहले दो क्वेश्चन जो बताया उसमें आप लोगों को बता दिया डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालता है, ठीक निकालते हैं। तो अभी यहाँ पे कितना हो जा रहा है देखिए, अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ ना, नहीं 1 हो जाएगा सॉरी, ये तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 3 - 2 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4,
तो यहाँ पे मेरे को कितना मिल जा रहा है, रूट फाइव मिल जा रहा है ए बी का डिस्टेंस। उसके बाद मैं एक क्या निकाल देता हूँ, मैं बी सी का डिस्टेंस निकाल देता हूँ। बी सी का डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस इलेवन माइनस थ्री का स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू, अभी ये क्या हो जाएगा, माइनस फोर का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हम लोग को 16 मिल जाएगा, और माइनस 14 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हम लोग को 196 मिल जाएगा, और इन दोनों को जोड़ने पे हम लोग को कितना मिल जाएगा, 212 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग सी और ए का डिस्टेंस निकाल देंगे, तो सी और ए का डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस इलेवन माइनस फाइव का स्क्वायर का रूट ओवर। तो अब यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट अगर मैं देखूँ तो थ्री का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा नाइन, और यहाँ पे कितना आ जा रहा है, ये आपका 16 आ जा रहा है, तो 16 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 256। ठीक है, और इनको जोड़ने पे हमको क्या मिल जाएगा, इनको जोड़ने पे मिल जा रहा है 265, क्या मिल जा रहा है, 265। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखिए, इनको अगर जोड़ेंगे अगर हम लोग ना, तो मतलब कि ए बी को, ए बी को अगर मैं बी सी से जोड़ूं तो क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू ए सी, या फिर आप ऐसा कह लीजिए सी ए आ रहा है। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पे जो नंबर है, इनको अगर मैं जोड़ के देखूं भी तो ये इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस पॉइंट्स आर, दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है। ठीक है, ये तो आपके बुक का क्वेश्चन था, मैं दो तीन क्वेश्चन और आप लोगों को कराऊंगा अगले, मतलब कुछ वीडियो के बाद में, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे रूट वाला दिया था तो यहाँ पे फिर भी मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये आपका रूट फाइव है ना, और फिर प्लस बी सी कितना है, बी सी आपका 212 है, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दे तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 265 आ जा रहा है। ठीक है, अब एक रफली अगर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रूट फाइव है, मतलब फोर अगर मैं पकड़ के चलता तो टू वैल्यू आता, और यहाँ पे 200, तो मैं 200 अगर इसको पकड़ के चलता, इसको थोड़ा कम कर देता तो 200 में बोले से तो मुश्किल है, मतलब कि इसमें 225 भी हम लोग पकड़ते तो 15 आता, सपोज एक बात है 17 आता, और ये वाला फिर भी ये दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ पे 17 और यहाँ पे आपका 16, मतलब इक्वल ही नहीं आएगा कोई भी हाल में, देखिए। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना, तो ये इक्वल नहीं है आपस में, इक्वल नहीं है, इसीलिए ये क्या है, ये आपका इक्वल नहीं है बोल के क्या है, ये आपका नॉट कोलिनियर है। अगर इक्वल निकल जाता, मतलब मान लीजिए कि अगर रूट फाइव निकलता और एक टो का रूट फाइव निकलता और एक टो का वैल्यू ऐसे निकल जाता, टू रूट फाइव ऐसे निकल जाता, तो देखिए क्या होता कि रूट फाइव प्लस रूट फाइव करने पे हम लोग को कितना मिल जा रहा है, टू रूट फाइव, तब हम लोग बोल सकते थे कि हाँ ये कोलिनियर है। बस इतना आप लोगों को समझना, ठीक है ना, आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। अब रहा बात है दूसरा, कि इसको हम लोग ट्राइंगल वाला फार्मूला में भी यूज़ करके बना सकते हैं, कैसे, देखिए एक लाइन है, अगर मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है तो ट्राइंगल बनेगा, तीन पॉइंट है ना, एक पॉइंट दो पॉइंट तीन पॉइंट, तीन पॉइंट अगर मिल करके एक ट्राइंगल बन जा रहा है तो इसका मतलब वो कोलिनियर नहीं है, वो एक लाइन का पॉइंट नहीं है, वो तीनों एक ही लाइन का पॉइंट नहीं है। मेरा बात समझिए, मैं फिर से आप लोगों को समझा रहा हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई तीन पॉइंट आपस में मिलके एक ट्राइंगल फॉर्म करता है तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, वो तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई तीन पॉइंट मिल करके ट्राइंगल नहीं फॉर्म करेगा, ट्राइंगल अगर नहीं फॉर्म करेगा, देखिए अगर कोई तीनों लाइन मिलकर ट्राइंगल बना रहा तो कोलिनियर नहीं है, और एक ही लाइन से जाएगा तो ट्राइंगल बनना पॉसिबल नहीं है, लाइन बन जाएगा, क्या बनेगा, इट इज़ ए लाइन एंड इट इज़ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो आप ये कोऑर्डिनेट यूज़ करके हम लोग कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो कैसे पता चलेगा, भैया सिंपल है, हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है
उसमें ये तीनों पॉइंट को पुट कर देंगे। अगर इक्वल टू जीरो वैल्यू आ जाता है, अगर इक्वल टू जीरो वैल्यू आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो ट्रायंगल नहीं बन सकता है, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा तो एरिया निकलेगा ना, तो एरिया ही नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब वो कोलिनियर होगा। और अगर जीरो नहीं निकलता है, नॉट जीरो होता है, तो इसका मतलब वो कोलिनियर होगा। ठीक है, तो देखिए एक बार देख लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, उसके बाद में आएगा आपका प्लस, फिर आ जाएगा x2 और फिर यहाँ पे y3 माइनस y1 और फिर प्लस, फिर यहाँ आएगा x2 और फिर यहाँ आ जाएगा y1 माइनस y2। देखिए यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। हाँ ठीक है, अब इसमें जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया था, यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट था ना, मैं पुट कर देता हूँ। देखिए x1 का पॉइंट मैं पुट कर रहा हूँ, ये 1 था। x2 जो था, पहले x1 पुट कर देते हैं, x1 पहले 1 था, फिर यहाँ पे ये आपका 2 था और उसके बाद में ये आपका -2 था। तो ये -2 था तो ये माइनस में कर देता हूँ इसको, ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसको माइनस कर देता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अब मैं बाकी पॉइंट पुट करता हूँ। अब देखिए y1 जो था वो आपका 5 था, तो 5 माइनस y2 जो था वो आपका 3 था, 3 हाँ y2 जो था वो आपका 3 था, उसके बाद में फिर y3 जो था वो आपका -11 है, ठीक है, और y1 कितना है, 5 है, तो यहाँ -5, और उसके बाद में फिर y2, तो y2 कितना है, y2 जो है वो आपका 3 है, और y3 कितना है, -11, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक शायद मैंने ठीक लिखा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये तो 14 हो जाएगा, और उसके बाद में ये प्लस, और यहाँ पे देखिए ये दोनों तो माइनस में ही रहेगा, और ये आपका हो जा रहा है 15, ये 5 एक 16, तो ये 32 हो जाएगा, मेरे ख्याल से 32 हो जा रहा है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे ये आपका माइनस साइन है उसके बाद, और हाँ ये वाला चीज़ और एक तो चीज़ है, माइनस है तो ये तो माइनस में ही आएगा ना, हाँ, और ये कितना हो जा रहा है, ये आपका 5 माइनस 3 मतलब 2, तो ये 4 में आ जा रहा है, हाँ 4 में आ जा रहा है। तो देखिए जो भी वैल्यू इसका आ रहा है नॉट इक्वल टू जीरो तो नहीं है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं भी मैं कर रहा हूँ, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये लाइन जो है, ये जो पॉइंट है, तीन पॉइंट POINTS पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, नॉट को लीनियर, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आओगा। देखिए अगर MCQ है तो आप ये जो नीचे वाला प्रोसेस है ना, इसका यूज़ करिएगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको सिंपल है, आप x1, y1 और y3 का वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे ना, तो आपका सॉल्यूशन जल्दी निकलेगा। अगर इक्वल टू जीरो होता है तो कोलिनियर नहीं हो, निकलता है तो कोलिनियर नहीं है, बात खत्म। अब आगे चलिए, अब यहाँ पे क्या बोला गया भैया, आइसोलेसिस ट्रायंगल है, क्या करना भैया, तीन पॉइंट दिया हुआ है A, B, C, कोई भी दो साइड अगर इक्वल हो गया तो आइसोलेसिस ट्रायंगल है। उसी प्रकार से आपको इसके साथ में डिस्टेंस निकालना है, फिर इसको इसके साथ में डिस्टेंस निकालना है, और फिर इसको इसके साथ में डिस्टेंस निकालना है। अगर किसी का भी वैल्यू आपस में इक्वल आ जाता है तो ये आइसोलेसिस ट्रायंगल होगा, और नहीं आता है तो नहीं होगा, खुद ट्राई करिएगा, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा से, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो लड़की एक रूम में चार लड़के बैठे हुए रहते हैं और दो लड़की आती है, तो एक लड़की दूसरी लड़की से बोलती है कि ये जो चारों लड़के बैठे हैं ना, ये एक स्क्वायर बना रहे हैं, ये क्या बना रहे, एक स्क्वायर बना रहे हैं।
तो अब ये स्क्वायर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे और कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा आप लोगों को कि ए बी का डिस्टेंस निकाल दीजिए, फिर बी सी का डिस्टेंस निकाल दीजिए, और फिर सी डी का डिस्टेंस निकाल दीजिए, और फिर ए डी का डिस्टेंस निकाल दीजिए। अगर ये सारा डिस्टेंस, मतलब कि ए बी इक्वल होगा बी सी के साथ में, और ये इक्वल होगा सी डी के साथ में, और ये इक्वल होगा ए डी के साथ में, है ना। तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल होता है। स्क्वायर का ऑल साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है ना। एक ये हो गया, अब ये रंबस भी तो हो सकता है ना। तो उसके लिए फिर क्या करना होगा कि हम लोगों को ए से डी, ए से सी का वैल्यू निकालना होगा, ए सी, और फिर यहाँ पे बी डी का वैल्यू भी निकालना होगा, बी और डी का वैल्यू। अगर ये दोनों भी इक्वल हो जाता है, ए सी और बी डी भी इक्वल हो जाता है, तो देखिए क्या हो जाता है, डायगोनल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि ये प्रूफ हो जाएगा, हिंस इट इज स्क्वायर करके, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, आपका काम कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट, अभी और एक चीज़ मैं दे देता हूँ आपको, पॉइंट भी मैं आपको ढूंढ के दे देता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल भी आप लोगों को परेशानी नहीं होगा, लेकिन करना आप लोगों को है, क्योंकि एग्ज़ाम में बैठना आप लोगों को है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 6 है, मतलब ये x का वैल्यू ये हो गया 6 कॉमा कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे y कितना है 7। एक कोऑर्डिनेट यहाँ मिल जाएगा आपको, या तो मैं रेड से लिखूँ, तो यहाँ पे दूसरा ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3 कॉमा, नहीं ब्लैक ही ठीक था, देखिए ये आपका 3 से जा रहा है ना, तो ये आपका हो गया 3 कॉमा, और ये कितना है 4 में है, तो ये 4 3 कॉमा 4। ध्यान से देखिए, इसको आपको टारगेट करना, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स के पॉइंट का सीधा सीधा क्या है 3 है ना, तो एक्स का वैल्यू उसके बाद वाई का वैल्यू, उसी प्रकार से यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 का वैल्यू, मतलब एक्स का वैल्यू 6 है और वाई का वैल्यू कितना 1 है। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 9 में है एक्स का वैल्यू, और वाई का वैल्यू कितना है 4 में है, तो ये हो जाएगा 4। इस प्रकार से आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और उसके बाद में आप डिस्टेंस निकाल के जो जो मैंने आपको बोला ए बी बी सी सी डी ए डी, और लास्ट में फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा ए सी और बी डी का। अगर ए सी बी डी से इक्वल और ये सारा आपस में इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, और ऐसा नहीं होगा तो स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सबको समझ में आओगा, आप इसको खुद ट्राई करिएगा। और अगर मेरा ये वीडियो आज का आप लोगों को पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।